आज़ादी के अमृत महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय बैठक सोलन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को आज़ादी के महत्व के बारे में युवाओं को जागरूक करने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान सुखराम चौधरी ने कहा कि पहाड़ी प्रदेश होते हुए भी हिमाचल में विकास की गंगा बही है, इसीलिए इस अमृत महोत्सव को खास बनाने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज हिमाचल प्रदेश को बने 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश इन 75 वर्षों में बहुत आगे बढ़ा है। उसका प्रचार प्रसार आम व्यक्ति तक हो जाए हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व के बारे में, हिमाचल प्रदेश की प्रोग्रेस के बारे में, इसलिए प्रथम कार्यक्रम इसके लिए बैठक रखी गई। अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चला है। 15 अगस्त बहुत नज़दीक, हर घर पे तिरंगा झंडा फहराया जाए, लगाया जाए, और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भारतवर्ष के इतिहास के बारे में बताया जाए, किस तरह से हमें आज़ादी मिली, किन वो लोगों ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी, भारत का इतिहास क्या है, कितने लोग इस पर किन लोगों ने बलिदान दिया। आज की जो युवा पीढ़ी है वो दिन प्रतिदिन जो है इस महोत्सव का महत्व भूल रही है, इसीलिए उनको याद करवाया जाए सारी चीज़ों के बारे में। इसके लिए जो है प्रशासन के साथ आज बैठक रखी। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।